खोलो रत्ता जया मिलके वते ना बिछड़ू या चन मंगो दुआ है मिलके वते ना बिछड़ू या चन मंगो दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मैं मौजूद हाँ दरिया सिंध के किनारे दे उते ये जड़ी जगह दे उते मैं मौजूद हाँ इंकू आ दिन चांडिया वाला पतण असा जुलते हैं बेड़ी दे उते सफ़र करें दे हैं ते दरिया के दूजे किनारे ते जुलते हैं ते तो उतो का माहौल दिखाते हैं और दरिया का माहौल भी दिखाते हैं। मैं झल जा लाही आप न ब्याह मैं बेड़ी आप तराई है बहु चस आई है कुलात सुने हम पूजे दे कुलाते चाट चखाई है बहु चस आई है मेरा तारे कुते छेबे मैं लाल चुनी छंबवाई है बहु चस आई है। मैं अपने सफर का आगाज चांडिया वाले पतण कने शुरू किए। चांडिया वाला पतण जिला राजनपुर की तहसील जामपुर दे विच चांडिया वाले पतण कने जेरी बेड़ी पहली निकलती है वह 10 बजे निकलती है ते जेड़ा आखिरी बेड़ी का टाइम आंदे वो 4 बजे लुंडी पिताफी कने आंदे ते 5 बजे चांडिया वाले पतण ते आन पुजदे। ई वेले बेड़ी चांडिया वाले पतण कने अपने सफर का आगाज करें दी पई है। तकरीबन एक घंटे का सफर है जेड़ा दरिया सिंध दे विचो बेड़ी सफर तय करे सी ते घंटे दे बाद ए लुंडी पिताफी वाले पतण दे उते वन पहुँच सी। बेड़ी दरिया दे किनारे दे नाल नाल सफर करें दी पई है। मेरी लेफ्ट साइड दे उते कणक की फसल राधी पई है बिल्कुल दरिया दे किनारे दे नाल। बेड़ी दे विच काफ़ी सारे मुसाफिर सवार हैं मोटरसाइकिल भी हैं। दरिया दे विच पानी दा काफ़ी इजाफा थी गए जैदी वजह कने ओ साइड लल भिक भी देंदा पाए मतलब साइड लल ओ दरिया पानी दा बहाव की वजह कने साइड कुखंदा भी पाए कणक की जिहड़ी फसल है वह भी दरिया दे विच काफ़ी सारा कटाव की वजह कने आ गई है। ई वेले असां लुंडी पिताफी पतण ते पहुँच गए हैं बेड़ी बिल्कुल किनारे दे नाल आ गई है। दूजी जिहड़ी बेड़ी है वह तैयार है तो मुसाफिर भी तुसा डेदे पाओ सो साइड दे उते मुसाफिर भी खड़न ते जे ए बेड़ी रुकसी ते इंदे बाद या इया बेड़ी वेसी या भी एक बेड़ी खड़ी है ओ वेसी पतण ते बेड़ी पतण ते बेड़ी बेड़ी विच इक फुल रत्ता जिया मिलके वते ना बिछड़ू या चन मंगो दुआ है मिलके वते ना बिछड़ू या चन मंगो दुआ पतण ते बेड़ी बेड़ी विच इक फुल रत्ता जिया मिलके वते ना बिछड़ू या चन मंगो